मैंने पूछा कि अंदर की खूबसूरती कैसे नजर आएगी। सर अंदर की खूबसूरती डेफिनेटली ऐसे दिखती है ना, आपके आपके एक्ट से दिखती है। मुझे लग रहा था कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन से पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव बन गई हूँ, एक ऑर्डिनरी नॉर्मल पर्सन से। अपने काफी इंटरव्यूज में यही कहती हूँ कि आई प्रेफर चैरिटी ओवर ग्लैमर। फर्स्ट टाइम मैं तुर्की गई, उसके बाद फिर मैं कंबोडिया गई, कंबोडिया के बाद मैं अभी थोड़े दिन पहले लाइक 2-3 वीक्स पहले मैं इजिप्ट से होके आई हूँ। तो मुझे इनरली बहुत खुशी होती है कि मैं वो खुश नसीब लड़की हूँ जो कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हूँ। जेड एक्सिस की स्क्रीन पर मुझ समेत हमेशा आपने खूबसूरत चेहरों को देखा, मगर आज जो खूबसूरत चेहरा और जो खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो आप अपना तारुफ हैं। नाज़रीन मोहतरम, उनके बारे में अगर ये कहूँ तो बिल्कुल दुरुस्त होगा कि मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022 के इंतखाब और टाइटल उन्होंने विन किया और उसके साथ साथ बेशुमार टाइटल्स को उन्होंने विन किया। इनका तारुफ मैं इस तरीके से कराता हूँ कि जिनकी बातों से आती है महक और जिनकी खूबसूरती को देख कर दिल जाता है धड़क, मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर शफ़क। अस्सलामुअलैकुम सर, कैसे हैं आप? आप खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही हैं आप। थैंक यू सो मच। ये आज दिखाई दे रही हैं या हैं आप खूबसूरत? मैं खुश रहती हूँ तो मुझे लगता है मैं खूबसूरत दिखाई देती हूँ। अच्छा अच्छा, यानी आपको खूबसूरत दिखने के लिए खुश रहना जरूरी है? जी जी एग्जैक्टली, और मुझे लगता है हर किसी के लिए ये जरूरी है। अगर आप खुश रहते हैं तो आपके फेस के ऊपर यू नो एक नूर चमकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर शफ़क, आप हमको ये बताएं कि आपने मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022, आप पाकिस्तान की वाहिद क्रिश्चियन फीमेल हैं कि जिसको ये टाइटल यानी जीतने का मौका मिला और आप ये टाइटल जीत चुकी हैं और अब तक ये टाइटल कोई जीत नहीं पाया। जी जी, अगर ये कहूँ तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। इसके साथ साथ बेशुमार टाइटल्स आपने विन किए, उनके बारे में हमारे नाज़रीन को जरा बताइए। जी, 2022 में मैंने पाकिस्तान की पहली क्रिश्चियन लड़की हूँ मैं जिसने मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल का टाइटल विन किया। इसके बाद मैं तुर्की गई अपने इंटरनेशनल पैजेंट के लिए 2022 में। वहाँ पे मिस ऑरा इंटरनेशनल में मैंने पार्टिसिपेट किया और वहाँ से मैंने मिस रिक्सो सनगेट का टाइटल विन किया जो कि उनका एक बहुत ही ख़ास और स्पॉन्सर टाइटल था। और मुझे एक बहुत ही खूबसूरत क्राउन मिला और उसके साथ मिस रिक्सो सनगेट की सैश मिली। उसके 3 माह बाद जनवरी में मैं कंबोडिया गई और वहाँ से मैं बहुत ही खूबसूरत टाइटल विन करके लेके आई हूँ जिसका नाम है मिस ह्यूमैनिटी। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं मतलब लाइक 4 मंथ्स में मैंने 2 टाइटल्स विन किए हैं और खुदा करे कि आगे भी मैं पाकिस्तान के लिए ऐसे ही टाइटल्स लेती आऊँगी और बाकी मुल्कों को बताऊँगी कि पाकिस्तान किसी भी चीज़ में किसी से भी कम नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आप पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं और अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान का नाम भी एक तरीके से आप रोशन कर रही हैं। अच्छा मुझको शफ़क ये बतलाइए कि आप 2022 से पहले मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल नहीं थी? जी बिल्कुल नहीं। 2022 में आप मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल बनने के बाद क्या तब्दीलियां रोनमा हुई, क्या तब्दीलियां पेश आई जो आपको नजर आया कि भाई वाकई ही मैं पहले कुछ और थी अब कुछ और हूँ? मुझे लग रहा था कि मैं एक ऑर्डिनरी पर्सन से पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव बन गई हूँ, एक ऑर्डिनरी नॉर्मल पर्सन से। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो क्राउन मेरे सर पे, ये सिर्फ एक क्राउन नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना है और इंटरनेशनली अपने मुल्क का झंडा लहराना है। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताएं कि ये टाइटल जीतने के बाद कितने ऑफर्स हुए आपको, कितने ड्रामाज में कास्ट करने का आपको कहा गया और कितने आप कमर्शियल्स में या एड्स में काम कर चुकी हैं? क्योंकि बहुत सारी खवातीन हमको देख रही हैं, वो भी चाहती हैं कि भाई हम मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल बने, और ये बनने के बाद फ़ायदा क्या होता है? सिर्फ टाइटल मिल जाता है या कुछ ना कुछ पैसे भी मिलते हैं, कोई कमाई का जरिया भी है ये टाइटल, मुझे बताइए। सर जो पहला आपका सवाल है कि कितनी ऑफर्स आई हैं या मूवीज़ वगैरह में ड्रामास में काम, तो बेसिकली मुझे, क्योंकि आप खूबसूरत है ना मेरी तरह, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक्चुअली मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी ड्रामा मूवी में काम करूं। जैसा कि जो लोग मुझे देख रहे हैं मोस्टली लोगों को पता है, मैं अपने काफ़ी इंटरव्यूज़ में यही कहती हूं कि आई प्रेफर चैरिटी ओवर ग्लैमर। तो मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व हूँ रादर देन कि मैं ड्रामो फिल्मों में काम करूँ, और मुझे ड्रामो फिल्मों में काम करना इतना पसंद भी नहीं है क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ और मैं अपनी फील्ड को ही आगे कंटिन्यू करूँगी। और मिस पाकिस्तान का टाइटल विन करने के बाद पहले मुझे कोई जानता नहीं था, सबको पता था ओ डॉक्टर शफ़क दैट्स इट, लेकिन अब मुझे पूरा पाकिस्तान जानता है, पाकिस्तान के साथ साथ मुझे दुनिया में मेरी एक पहचान है, मेरी इंटरनेशनल टाइटल्स हैं,
और इंडियन मेरे बहुत फैंस हैं, कंबोडियन फैंस हैं, तुर्किश पीपल मेरे फैन हैं, लाइक मैं जिस जिस कंट्री में भी अभी तक गई हूँ वहाँ पे मेरी एक बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग हुई है। दूसरा सवाल मैंने आपसे पूछा था, कितने पैसे कमा लिए भाई? पैसे सर, पैसों का मैं ऐसे जिक्र नहीं करूंगी क्योंकि ख्वातीन हमको देखती है ना, वो बच्चियां चाहती हैं लड़कियां। आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, आपका एक नाम एक ऑर्डिनरी पर्सन से एक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कंट्री हो जाता है, और मेरे लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं है कि आप अपने मुल्क को पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी चीज है, इसके आगे पैसे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही है, यानी अगर बहुत सारी लड़कियां ये बनने की ख्वाहिशमंद हैं कि भाई हम भी इस फील्ड, अच्छा इस फील्ड में अब इन होने का तरीका कार क्या है कि कोई आम लड़की, क्योंकि आपने खुद कहा कि भाई आप एक ऑर्डिनरी थी और आप एक आम शख्सियत के हामिल थी, लेकिन आप अब खास बन चुकी हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आवर कंट्री, जाहिर है कि अब आप, अब बिल्कुल सही बात है। अब जब जो लड़कियां हमको देख रही हैं, ख्वातीन हमको देख रही हैं, उनको आप बताइए, उनके लिए आप बताइए कि वो किस तरीके से इस फील्ड को अपना सकती हैं। जी ये बहुत सिंपल है, इतना इसमें कोई आपको हर्डल्स नहीं लेनी पड़ेंगी। आपको मिस पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करना होता है पहले, ठीक है? उसके बाद आपके डिफरेंट राउंड होते हैं, जैसे कि ट्रेडिशनल राउंड होता है, क्वेश्चन आंसर्स राउंड होते हैं, आपकी इंटेलिजेंस लेवल चेक की जाती है, कैट वॉक, ट्रेडिशनल डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस में आपके शूट होते हैं। उसके अलावा जो हमारी प्रेसिडेंट है मैम सोनिया अहमद, उनके साथ और इंटरनेशनल जजेस होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं, फिर जाके उस लड़की को मिस पाकिस्तान का टाइटल मिलता है। अच्छा, आप तो माशाल्लाह से खूबसूरत हैं, खूबसूरती मैटर करती है? मेरे ख्याल से जो इनर ब्यूटी होती है वो ज़्यादा मैटर करती है रादर देन आउटर ब्यूटी। नज़र कैसे आएगी? सर आपके एक्शन से, कि आप कितना केयरिंग हो, लविंग हो, कितना पैशनेट हो किसी चीज़ को लेके, या कितना कंपैशनेट हो, आपकी लॉयल्टी, सिंसेरिटी, तो बता दें ये कितना पैशनेट हो, कितना लविंग हो, कितना केयरिंग हो, बता दें आप। आपको तो आप यही बता रही है ना कि मैंने पूछा कि अंदर की खूबसूरती कैसे नजर आएगी। सर अंदर की खूबसूरती डेफिनेटली ऐसे दिखती है ना, आपके आपके एक्ट से दिखती है। अगर एक्ट में क्या नजर आ रहा है, अगर आप बाहर से खूबसूरत हो बहुत ज्यादा और अंदर से आप किसी के लिए नफरत रखते हो, आपके दिल में किसी के लिए प्यार नहीं है, तो ऐसी खूबसूरती नहीं। लेकिन मेरे दिल में तो नफरत नहीं है, सिर्फ मोहब्बत है। ये तो आप कह रहे हैं ना, लेकिन हर किसी के साथ ये नहीं होता। बिल्कुल सही है। अच्छा, मसीहाई का पेशा आपने अपनाया, यानी आप डॉक्टर भी हैं? जी जी। तो किस चीज में आप डॉक्टर? सर मैं ऑर्थो में प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी, हड्डियां, पट्ठे एंड ऑल दैट। बिल्कुल सही है, यानी आप हड्डियों के भी डॉक्टर हैं? जी जी। वाह भाई वाह, मुझे लगा आप दिल के डॉक्टर होंगे। नहीं नहीं, मैं हड्डियों पट्ठों के डॉक्टर। मुस्तकबिल में इरादा क्या है, आप डॉक्टरी के पेशे को अपनाएंगे, यानी मसीहाई के पेशे को लेकर चलेंगे, या इसी फील्ड को आप अपनाएंगे? सर मेरे लिए मेरी दोनों फील्ड ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ मिस पाकिस्तान मैं बहुत ज्यादा लड़कियों के लिए, पाकिस्तानी लड़कियों के लिए इंस्पायरेशन हूँ, मैं एक रोल मॉडल हूँ बहुत ज्यादा लड़कियों के लिए, और इसके साथ एज अ डॉक्टर मैं अपने पेशेंट्स के लिए एक लाइफ सेवर हूँ। तो मेरे लिए दोनों ही प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं दोनों को साथ ही लेके चलूंगी। मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल बनने के बाद कौन कौन सा मुल्क आप घूम चुकी हैं? सैर सियाहत की शौकीन हैं? जी बहुत ज्यादा। इससे पहले आप कौन कौन सा मुल्क घूम चुकी थी, और मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल का टाइटल जीतने के बाद आपको कौन कौन सा मुल्क घूमने का मौका मिला? पाकिस्तान से पहले मैंने कभी कोई इंटरनेशनल ट्रिप नहीं किया था। आई नो बहुत लोग, लाहौर तो घूमी होंगी आप? हाँ लाहौर घूमी थी, लेकिन मैं हमेशा जब भी आती हूँ कैमरा के सामने मैं हमेशा सच बोलती हूँ, और बहुत लोग मुझे बाद में कहते भी हैं कि यार तू कैमरे के सामने लाइक सब चीजें सच बोल देती है। मैं मिस पाकिस्तान से पहले मैंने कभी कोई इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किया था, और मिस पाकिस्तान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। फर्स्ट टाइम मैं तुर्की गई, उसके बाद फिर मैं कंबोडिया गई, कंबोडिया के बाद मैं अभी थोड़े दिन पहले लाइक 2-3 वीक्स पहले मैं इजिप्ट से होके आई हूँ। अच्छा, टर्की में माशाल्लाह आप जैसे ही खूबसूरत हसीना हैं मौजूद होती, दिल ने चाहा कि वहीं पे रह जाऊं? नहीं, मुझे अपने मुल्क से बहुत प्यार है। अच्छा, मुल्क में आपको सबसे ज्यादा, अब पूरा पाकिस्तान घूम चुकी आप या नहीं अभी? नहीं नहीं, अभी नॉर्थ में नारायण का गान तक गई हूँ, उससे आगे नहीं गई, मुझे जाना है अभी वहाँ पे। अच्छा बिल्कुल सही है। मुझे आप ये बताएं कि इसी फील्ड को, हम इसी फील्ड के मुतालिक हम बात करते हैं, कि आप मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल 2022 आप इंतखाब मुंतखब हुई और आप जीत चुकी हैं टाइटल, आप अगले साल इस फील्ड, चूंकि आप इस फील्ड में तो हैं, अगले साल जो एक बार विन कर ले वो दोबारा हिस्सा नहीं ले सकता? नहीं, जो एक बार विन कर ले वो दोबारा वही टाइटल विन नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है डिफरेंट इंटरनेशनल टाइटल्स की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे पास दो इंटरनेशनल टाइटल्स हैं,
नेशनल टाइटल के साथ साथ मैंने दो इंटरनेशनल टाइटल्स भी विन किए हैं, और होपफुली इस साल में भी मैं एक पेजेंट पे जा रही हूँ, मैं वहाँ से भी ज़रूर कोई टाइटल लेके आऊँगी। अच्छा बिल्कुल शफक, ये बात मैं आपकी बिल्कुल सुन रहा हूँ। ये इंटरनेशनली आप जो टाइटल्स विन कर रही हैं, मुल्क को फायदा हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान का नाम आप रोशन कर रहे हैं। जी एग्जैक्टली। आपको कितना फायदा हो रहा है ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवालात गर्दिश कर रहे हैं, आप बताइए कि आपको जाती तौर पर कितना फायदा हो रहा है, सच बताइएगा, क्योंकि आप तो बात ही सच्ची करती हैं। जी पर्सनली तौर पे मुझे बहुत सुकून मिलता है, मैं अपने आप में बहुत खुश फील करती हूँ कि यार मेरी वजह से मैं वो लड़की हूँ जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान का मतलब नाम रोशन हो रहा है। जब हम पेजेंट्स में जाते हैं तो मतलब मुझे पाकिस्तान की सैश मिलती है, मैं अपने मुल्क का झंडा लेके फ्लैग राउंड होता है उसमें मैं अपने मुल्क का झंडा लहरा रही होती हूँ, और उसके बाद जब टाइटल्स अनाउंसमेंट हो रही होती है और वो एक अचानक से बोलते हैं दिस टाइटल विन बाय मिस पाकिस्तान, तो वो एक बहुत एक अच्छी फीलिंग होती है, और लाइक सब मुल्क मेरी शक्ल देख रहे होते हैं कि हाँ पाकिस्तान भी टाइटल विन कर सकते हैं, तो मुझे इनरली बहुत खुशी होती है कि मैं वो खुश नसीब लड़की हूँ जो कि पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हूँ। क्या आसान होता है किसी भी लड़की के लिए मुल्क का नाम रोशन करना किसी भी फील्ड में? नहीं, ये बहुत बहुत मुश्किल होता है अपना अपने मुल्क का नाम पाकिस्तान में रहते हुए। सर अपने मुल्क का नाम ना बहुत ज्यादा कंट्रीज में, जैसे कि मतलब मैं किसी भी फील्ड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस फील्ड की नहीं, आप सवाल को समझने की कोशिश कीजिए कि किसी भी फील्ड में रहते हुए एक लड़की का जो एक मतवस्त तबके से ताल्लुक रखती जी, है जी, जी। उसके लिए क्या आसान होता है वो बाहर निकले, और मतलब ये कि गुर्बत की चक्की में तो वो पहले पिस रही है, ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये आपके लिए बात नहीं कर रहा। अच्छा, अच्छा। कि उसका दिल चाहता है कि भी वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे किसी भी फील्ड में और वो आसानी से कर सके? नहीं ये आसान नहीं होता, बहुत हर्डल्स आते हैं, बहुत मुश्किल आते हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है, उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, और मेरे ख्याल से कि उनकी सपोर्ट और मेरे फैंस की सपोर्ट की वजह से आज मैं इस मकाम पे हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि आपके फैंस और आपकी फैमिली ही आपको ऊपर लेके जाती है उनकी सपोर्ट से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा आप आखिर पर हमारे नाज़रीन से कुछ शेयर करना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें, या जो इस फील्ड में ख़वातीन जो लड़कियां आना चाहती हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहें तो जरूर दीजिए। जी मैं डेफिनेटली सबको मैसेज देना चाहूँगी, और मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी आपकी ड्रीम्स होती हैं उनको लाजमी फॉलो करें, और कोशिश किया करें कि आप ज़्यादा पॉजिटिव लोगों के ही सराउंडिंग में रहें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, जितना आप पॉजिटिव होगी उतना ही आप खुद पर ज़्यादा बिलीव करोगे, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल डेफिनेटली गेट योर ड्रीम्स। सो मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि अपने आप पे बस यकीन रखें, एक दिन ज़रूर आप कुछ ना कुछ लाजमी कर पाएंगे। शुक्रिया शफक, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला, थैंक यू, और हमें जाहिर है कि हमारे साथ बात की और हमारे स्टूडियो में आप तशरीफ लाएं। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद नज़ीर को इजाज़त दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हर जगह भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महजूज हो सके। इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हामी नासिर।